हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने जो है ये, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कुछ दिए थे जो कि 30 अराउंड थे, 32 समथिंग ऐसे थे। उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबने अगर ना देखे हो तो वो वीडियो जाकर चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अ राइटर हु स्टील्स आइडियाज़ फ्रॉम अदर्स, एक ऐसा राइटर जो कि आइडियाज़ चुरा लेता हो दूसरों से, उसको बोलते हैं प्लेगरिस्ट। क्या बोलते हैं? प्लेगरिस्ट। कॉपियर नहीं, एडिटर नहीं, ट्रांसलेटर। राइटर अगर कोई किसी के आइडिया को चुराता है तो उसे प्लेगरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेगरिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट, जहाँ पर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो बोलते हैं आर्काइव। उसको क्या बोलते हैं? आर्काइव बोलते हैं। अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, अगर कोई पर्सन किसी को मारता है स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन तो उसको बोलते हैं असैसिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? असैसिनेशन। असैसिनेशन, जैसे गांधी जी का क्या हुआ था? असैसिनेशन हुआ था। गांधी जी का क्या हुआ था? असैसिनेशन हुआ था, ठीक है। गांधी जी का क्या हुआ था? असैसिनेशन हुआ था। नेक्स्ट है 37, अ पर्सन हु अपोजेस अनदर, एक पर्सन जो दूसरे का अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटेगोनिस्ट, राइट। वो क्या होता है? विलन कहा जाता है एक तरीके से। क्या कहा जाता है? विलन, ठीक है। एंटेगोनिस्ट बोला जाता है जो पर्सन दूसरे का अपोज करता है उसे। फाइटर नहीं, प्रॉफिट नहीं, शोल्डर सोल्जर नहीं कहेंगे उसे, एंटेगोनिस्ट बोलेंगे। ऑपरेटिव प्रोटेगोनिस्ट किसको बोलते हैं? प्रोटेगोनिस्ट बोलते हैं जो किसी भी प्ले या किसी भी नॉवेल का हीरो होता है उसे बोलते हैं प्रोटेगोनिस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है 38, स्वीट म्यूजिक। स्वीट म्यूजिक को क्या बोलेंगे? तो 38 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो ए, मेलोडी। नेक्स्ट 39, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से नफरत करता है उसे बोलते हैं मिसेंथ्रोपिस्ट, और जो लव करता है उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। रीबल विद्रोही होते हैं, हैटर नफरत करने वाले। तो मिसेंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड से नफरत करे, फिलेंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड से प्यार करे। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, अ फिगर विद मोर देन फोर एंगल्स और साइड्स, जिसमें फोर एंगल और साइड्स जो है ज़्यादा हो, फोर एंगल साइड ज़्यादा हो उसको बोलते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। प्लेस फॉर कीपिंग बीज, जहाँ पर बीज रखी जाती है उसको बोलते हैं एपियरी। उसको क्या बोलते हैं? एपियरी। ध्यान रखिए, उसको क्या बोलते हैं? एपियरी। क्या बोलते हैं? एपियरी बोलते हैं उसे, जहाँ पर बीज रखी जाती है। प्लेस फॉर कीपिंग बीज, अपियरी। नेक्स्ट है अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी वो व्याज, ये तो हमने पढ़ाई दिया था आपको, वही आ गया है। 43 क्वेश्चन में आते हैं, अ स्नीरिंग पर्सन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्स, आई हैव टोल्ड यू साइनिक बोलते हैं जो पर्सन दूसरे में गलतियां होता रहता है। और क्लेप्टोमैनिएक क्या था? क्लेप्टोमैनिएक जिसको मतलब चोरी करने की आदत होती है, जिसको चोरी करने की, जिसको क्या होता है, जो चोरी करने से क्या करता है, चोरी करने की आदत होती है, चोरी करने से जिसको डर लगने लगता है, क्या होता है? क्लेप्टोमैनिएक। क्लेप्टोमैनियाक होता है जिसको चोरी करने की बीमारी से पीड़ित होता है, जो यानी आदत होती है, जिसको चोरी करने की बीमारी, आदत नहीं होती है, बीमारी से पीड़ित हो जाता है चोरी की, तो उसे क्लेप्टोमैनियाक बोलते हैं, ठीक है। और क्यूपिड हमने आपको बताया था क्या होता है, क्यूपिड क्या होता है? क्रोन हमने बताया था, डायन या चुड़ैल, और कामरूप बताया था हमने, क्यूपिड मैंने आपको कामरूप बताया था। चलिए नेक्स्ट है 44, वन हु इज एन एक्सपर्ट इन जजिंग आर म्यूजिक ETC, वन जो कि एक्सपर्ट है जजिंग में और म्यूजिक में उसको क्या बोलते हैं? कोनवाइजोर। जो किसी भी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं कोनवाइजोर। क्या बोलते हैं? कोनवाइजोर। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग आ सकती है जब रॉन्गली स्पेल्ट में आपको देखना हो, तो COOON फिर OO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 O, नॉइज लिखो NOIS, सी होता है ना कौन, नॉइज में डबल एन डबल है और एस डबल है, तो रिपीट विद मी, COO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 , को नाइजोर। को नाइजोर होता है मतलब निपुण, अपनी फील्ड में क्या है, बहुत एक्सपर्ट है, कोई भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है उसे बोलते हैं को नाइजोर। को नाइजोर।
डिसीजन दैट कैन नॉट बी ब्रेकन बैक, सॉरी टेकन बैक, ऐसा डिसीजन जिसको आप दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं उसको बोलते हैं क्या, इरिवोकेबल, क्या बोलते हैं, इरिवोकेबल। ठीक है, रिगेट्स किसी हार्ड चीज को बोलते हैं। ऑर्डर और ब्रीफ तो पता ही है क्या होता है। नेक्स्ट 46, फियर ऑफ क्राउड, जिसको क्राउड से डर लगे उसको क्या बोलते हैं बताइए। जीनोफोबिया क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगे, और जीनोफोबिया क्या होता है बताइएगा, और एक्रोफोबिया क्या होता है, 46, एक्रोफोबिया होता है जिसको भीड़ से डर लगता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। फोबिया मतलब ही होता है डर लगना किसी ना किसी चीज़ से, क्या होता है कि डर नहीं लगना मतलब कि वो उसकी मतलब उसकी बॉडी उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है, तो वो एक तरीके से घबराता है उस चीज़ से। तो ये है एक्रोफोबिया। ये क्या है, एक्रोफोबिया, ये क्या है, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड्स, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड्स, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है 47, 47 हमारा क्या कह रहा है, फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरा, फिजिकल फीचर्स किसी भी एरा के क्या होंगे, जियोग्राफी, कंटूर, टोपोग्राफी या सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी और कंटूर और जियोग्राफी नहीं होंगे, जो फिजिकल फीचर्स होंगे किसी भी एरा के उसको बोलेंगे टोपोग्राफी, उसको क्या बोलेंगे, टोपोग्राफी। वन फॉर होम द होल वर्ल्ड इज वंस होम, वन फॉर होम द होल वर्ल्ड इज वंस होम। तो 48 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कॉस्मोपोलिटन। क्या हो जाएगा, कॉस्मोपोलिटन, वन फॉर होम, कोई जिसको कि होल वर्ल्ड क्या लगे, पूरा ऐसा होल वर्ल्ड लगे कि वो उसका क्या है, घर की घर ही है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉस्मोपोलिटन। क्या बोलेंगे, कॉस्मोपोलिटन, उसको क्या बोलेंगे, कॉस्मोपोलिटन। ठीक है, समस्त संसार का, क्या बोलेंगे, समस्त संसार का, कॉस्मोपोलिटन। वन फॉर होम द होल वर्ल्ड इज वन होम, जिसको पूरा संसार अपना खुद का लगे, समस्त संसार का, वो पर्सन समस्त संसार का कॉस्मोपोलिटन है। ठीक है, ऐसी इसी तरीके से हमने कल पढ़ाया पढ़ाया था आपको कॉस मॉस, यानी ब्रह्मांड, यूनिवर्स के अलावा भी एक वर्ल्ड है कॉस मॉस, यानी कि ब्रह्मांड। ठीक है, नेक्स्ट है जॉब विदाउट सैलरी, फ्री सर्विस, वॉलेंट्री, ऑनरी एंड अमेच्योर। तो अमेच्योर नहीं, ऑनरी होगा इसका, ऑनरी। ठीक है, नेक्स्ट है क्योर फॉर ऑल डिजीज, पेंसिया, एवरीबडी नोज अबाउट इट, पेंसिया बोलते हैं। नेक्स्ट है 51, अ पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ रादर देन एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड हिम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जो पर्सन केवल अपने आप में इंटरेस्ट ले और सराउंडिंग में कोई भी हो मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। वो क्या है, पर्सन अपने आप में इंट्रोवर्ट। अ पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर और एनी प्रोफेशनल मैन, एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है, हेल्प करता है या एडवाइस, और एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर, लॉयर, एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर और एनी प्रोफेशनल मैन, उसको क्या बोलेंगे, ये पूछा है, तो उसको बोलेंगे क्लाइंट, उसको क्या बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 53, अ पर्सन कैरिंग अ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक ऐसा पर्सन जो मैसेज ले जाता हो एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको क्या बोलते हैं। 53 का ऑप्शन क्या होगा बताइए, मैसेंजर, उसको क्या बोलेंगे, मैसेंजर। पोस्टमैन नहीं बोलेंगे, प्यून नहीं बोलेंगे, बियरर नहीं बोलेंगे, मैसेंजर कैरी करता है, अ पर्सन कैरिंग अ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। नेक्स्ट 54, अ पर्सन हु डज नॉट वॉन्ट टू सी द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड ट्राई टू स्केप, ये हम बता चुके हैं, जो पर्सन क्या करता है, पर्सन हु डज नॉट वॉन्ट टू सी द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड ट्राई टू स्केप, दैट पर्सन इज कॉल्ड स्केपिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, भाग जाने वाले, मतलब क्या होता है, कुछ लोग बहुत इजीली लाइफ की बहुत आसान रास्ते को हमेशा चुनना चाहते हैं, है ना, कुछ लोग क्या होते हैं, आसान रास्ते को चुनना चाहते हैं। तो उस ऐसे पर्सन जो रियलिटी से भाग रहे हों लाइफ की, और कैसे
क्या कर रहे हो, भाग रहे हो रियलिटी से, लाइफ की, उसको बोलेंगे स्केपिस्ट। क्या बोलेंगे? स्केपिस्ट। भाई स्केप माने भागना ही होता है, स्केप माने भागना ही होता है। स्केपिस्ट हो गया जो क्या हो, स्केपिस्ट अ पर्सन जो रियलिटी ऑफ लाइफ से भागे। नेक्स्ट 55, अ पर्सन हु इज वेरी सेलेक्टिव, डिस्कस्टेड डिस्कस्टेड इजिली एंड इज हार्ड टू प्लीज। अ पर्सन हु इज वेरी सेलेक्टिव, डिस्कस्टेड इजिली एंड इज हार्ड टू प्लीज, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन बी चीटेड इजिली, क्रीडुलस। जो पर्सन क्या होता है, इजिली चीटेड, अ पर्सन हु कैन बी इजिली चीटेड इजिली, जो पर्सन क्या होता है बहुत आसानी से चीट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक मिनट, हाँ उसको बोलते हैं क्रिडुलस। क्या बोलते हैं? क्रिडुलस। नेक्स्ट है हमारा 57, अ प्लांट और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, अ प्लांट और एनिमल लिविंग ऑन अनदर। क्या बोलेंगे? एक ऐसा प्लांट और एनिमल जो क्या होता है, रहता है दूसरे पर, रहता है दूसरे पर, रहता है उसका गुजर बसर कैसे होता है, ऑन अनदर, दूसरे पर गुजर बसर होता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। हाइड्रा में जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं वो आते हैं, क्रीपर जो रेंगने वाले होते हैं वो होते हैं। तो अ प्लांट और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, अ प्लांट और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। नेक्स्ट क्या होगा? समथिंग दैट कैन नॉट बी हार्म, समथिंग कैन सॉरी समथिंग दैट कैन नॉट बी हार्म, कुछ ऐसा जिसको हम हार्म नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? हार्मलेस, अफेक्टेड, स्ट्रांग या इनवॉयलेट, इनवॉयलेट उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनवॉयलेट बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है 59, एन ऑफिसिन ऑफ आर्टिफिशियल पॉन्ड और टैंक फॉर कीपिंग फिश और एक्वेटिक प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम। दैट एक्वेरियम मीन्स आर्टिफिशियल पॉन्ड और टैंक, राइट। अब बाकी तो सब पता ही है, रिजर्वायर जहाँ पानी सेव करके रखा जाता है, ऐसी जगह होती है, एक ऐसी प्लेस जहाँ पानी कुछ सेव करके रखते हैं आगे के लिए, पूल तो पता ही, स्पॉट पता ही है। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टन, पैरोल बोलते हैं, पैरोल पे छूटते रहते हैं ना जो लोग जेल में होते हैं उनको, उनको बोलते हैं वो पैरोल पर जाते हैं, ठीक है। एक्विट, एक्यूट अपराधी, पार्डन, पैरली, पार्ले, पार्डन और पार्डे, तो पार्डन तो पता ही है क्या होता है, बात आती है पार्डे की, तो पार्डे देखते हैं क्या होता है, पार्ले, तो पार्डे होता है बातचीत, PARLY, पार्ले किसको बोलते हैं? बातचीत को। पार्डे किसको बोलते हैं? बातचीत को। पार्डे किसको बोलते हैं? बातचीत को। अच्छा आप लोगों को फ्रेजल वर्ब पढ़नी है क्या? फ्रेजल वर्ब पढ़नी है तो बताइए, उसको लाते हैं उस वीडियो को और फ्रेजल वर्ब भी पढ़ते हैं। मतलब फ्रेजल वर्ब कई, मतलब एक बार नहीं कई बार रिपीट करेंगे ना रोज रोज, तो वो रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। लाते हैं फ्रेजल वर्ब और उसको बार बार पढ़ते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिल इन द ब्लैंक्स से पूछ दी जाती है। अरे फ्रेजल वर्ब वही जिसे बोलते हैं गेट इन का यूज़ कहाँ होगा, टू को या टेक ऑफ का यूज़ कहाँ होगा, ठीक है। अब जैसे पूछ दिया जाए ब्रीक डाउन या ब्रीक इनटू का यूज़ कहाँ होगा, ब्रीक डाउन का मतलब क्या होगा, दैट इज़ अ फ्रेजल वर्ब। और ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जिनसे रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे गेट से रिलेटेड आ गया, कम से रिलेटेड आ गया, गो से रिलेटेड आ गया, टेक से रिलेटेड होती हैं फ्रेजल वर्ब्स, और ब्रीक से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। और भी कई फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो वर्ड से रिलेटेड होती हैं। तो ऐसे वर्ड क्या हैं, हम एक एक वीडियो, दो वीडियो, तो तीन बार रिपीट करेंगे ना, रिवाइज करेंगे तो माइंड में क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। पैरोल हो गया यहाँ पर। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प, जो क्या करता है, पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, जो पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करता है उसको तो फिटेलिस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ इग्लू लगा है, इग्लू, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प, इग्लू, इग्लू तो नहीं होता है, इग्लू होता है क्या, इग्लू तो नहीं होता है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 62 क्वेश्चन कह रहा है, 62 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन,
देखिए ब्रेक डाउन आ गया ना, नर्वस ब्रेक डाउन से जो पर्सन सफर कर रहा है उसे न्यूरोटिक बोलते हैं। अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज स्ट्रॉल, डिसीजन दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, ये तो हमने बताया इरिवोकेबल बोलते हैं, जिसमें डिसीजन आप बैक नहीं ले सकते। फियर ऑफ क्राउड्स, फियर ऑफ क्राउड्स को क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया पढ़ा था, ओक्लोफोबिया आ गया है यहाँ पे, तो एक्रोफोबिया ओक्लोफोबिया दोनों बोलते हैं फियर ऑफ क्लाउड से। फिजिकल फीचर्स से तो पता ही है टोपोलॉजी, और 67 में कोनाइजोर ये भी हम पढ़ ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 68 देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ प्योर एंड क्लीन, जो पर्सन बिल्कुल प्योर और क्लीन हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो पर्सन प्योर क्लीन हो उसे बोलते हैं इमैक्यूलेट। क्या बोलते हैं, इमैक्यूलेट, क्या बोलते हैं, इमैक्यूलेट। अ पर्सन हु इज़ प्योर एंड क्लीन, दैट पर्सन इज कॉल्ड इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट किस पर्सन को बोलते हैं, जो पर्सन बिल्कुल क्लीन हो, जो पर्सन क्या हो, प्योर हो, क्लीन हो, उसको बोलते हैं निर्मल, शुद्ध। हिंदी में अगर बोले तो निर्मल, शुद्ध, बेदाग, इमैक्यूलेट पर्सन। क्या है, इमैक्यूलेट पर्सन, एक एडजेक्टिव है ये, इमैक्यूलेट मतलब ही इज़ अ इमैक्यूलेट पर्सन, यानी प्योर पर्सन। प्योर हम लोग मोस्टली प्योर यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट पर्सन। ही इज़ वेरी इमैक्यूलेट मतलब बहुत प्योर है, इट इज़ वेरी इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट, राइट। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, जिसने जस्ट अभी लर्निंग स्टार्ट की हो उसे नौविक बोलते हैं, यानी नौसखिया, नो नो नो, उसे नौविक नहीं बोलते हैं, जिसने लर्निंग स्टार्ट की हो उसे बोलते हैं अप्रेंटिस। मतलब हमने कोई कोर्स किया है, हमें उसे प्रैक्टिस करनी है अप्रेंटिस, तो उसको क्या बोलते हैं, वन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग अप्रेंटिस, ठीक है। बॉर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, तो ये तो बताया है, एस्टीमेट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फोर्स ऑफ विंड, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेज़र करता है विंड का फोर्स, हवा का फोर्स जो मेज़र करता है उसको क्या बोलेंगे, तो 71 एनिनोमीटर, क्या होता है वो, एनिनोमीटर होता है। टेलीस्कोप पता है, दूर की चीज़ों को पास में दिखाता है। मैनोमीटर और माइक्रोमीटर, ये भी क्या है, माइक्रोमीटर ये भी क्या है, किसी भी चीज़ को बहुत जो ना दिखती हो, वो छोटा छोट बैक्टीरिया वगैरह अगर नहीं दिखते हैं तो माइक्रोमीटर से देख सकते हैं। और एनिनोमीटर जो फोर्स ऑफ विंड है उसको मेजर किया जाता है एनिनोमीटर से। साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की साइंटिफिक स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। द प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड लॉन्ड्री, वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड, जो 100 ईयर ओल्ड हो, सेंटेरियन। अ पर्सन फर्स्ट स्पीच, जो फर्स्ट स्टीच होगी उसको मैडन बोलेंगे, और जो बिना प्रिपरेशन की होगी उसे एक्सटेम्पोर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 76 वर्ड्स इंस्क्रिप्ट ऑन अ टॉम्ब, तो जो वर्ड इंस्क्रिप्ट होंगे टॉम्ब में लिखे हुए होंगे, यानी पत्थर में जो वर्ड्स इंस्क्रिप्ट होंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एपिटॉफ, उसको क्या बोलेंगे, एपिटॉफ। जो वर्ड्स टॉम्ब में इंस्क्रिप्ट होंगे उसको बोलेंगे एपिटॉफ, उसको क्या बोलेंगे, एपिटॉफ, ठीक है, एपिटॉफ बोलेंगे, इपीग्राम नहीं बोलेंगे। इपीग्राम हमने क्या बताया था, ओनली यूज अ फ्यू वर्ड टू कन्वे, तो कल ही हमने बताया है फिगर ऑफ स्पीच में, टू कन्वे अ बिग सेंस, टू कन्वे अ बिग सेंस, उसको बोलते हैं एपीग्राम। ओनली यूज अ फ्यू वर्ड टू कन्वे अ बिग सेंस, दैट इज एपीग्राम। एंड एपिटॉफ क्या होता है, इंस्क्रिप्ट द टॉम्ब, अ वर्ड्स इंस्क्रिप्ट अ टॉम्ब या इंस्क्रिप्ट द स्टोन, दैट इज एपिटॉफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दैट विच कैन नॉट बी पेरिस्ड, इसको हम पेरिस्ड नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरिसेबल, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरिसेबल, ठीक है। उसको हम पेरिस्ड नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरिस्ड, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरिस्ड, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरिस, ठीक है। पेरिस मतलब होता है लय होना, पेरिस मतलब होता है लय होना, और किसी पेरिस का मतलब ये भी होता है PRIS, खत्म हो जाना, मरना, मर जाना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना।
पेरिस्ड मारे गए हैं, तो इम्पेरिसेबल जिसको क्या, जो मतलब कि इम्पेरिसेबल होता है जिसको हम पेरिस्ड नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, इम्पेरिसेबल। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है इनकॉरिजिबल। क्या है इनकॉरिजिबल, और इनकॉरिजिबल को क्या बोलते हैं, असुधार है, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी एरर सुधार नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं इनकॉरिजेबल। ध्यान रखिए जिसमें एरर हो हम जिसको इम्प्रूव नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनकॉरिजेबल। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीच गिवन एट एट द ओपनिंग ऑफ द सेरेमनी, तो इनएगुरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनएगुरल, इनएगुरल बोलते हैं, इनएगुरल स्पीच। प्रिल्यूड, प्रिल्यूड वेलकम एंड थैंक। नेक्स्ट है हमारा 79, कह रहा है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो ये बता चुके हैं कैलीग्राफी होती है। और डिसीज विच इंड्स इन डेथ, एक ऐसी डिसीज जिसका एंड ही डेथ हो, फैटल है, वो घातक है। अ पर्सन हु इज़ प्योर एंड क्लीन, इमेक्यूलेट। अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, अप्रेंटिस। अ फ्यूनरल बेल, एक फ्यूनरल बेल होती है उसको क्या बोलते हैं, तो 83 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नील। क्या हो जाएगा, नील, नील बोलते हैं अ फ्यूनरल बेल को। ठीक है, पर्सन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुजियाज्म, एक पर्सन जो कि भरा हुआ है बहुत ज़्यादा उत्साहना से, उसको क्या बोलेंगे, फास्टिडियस, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, फैनेटिक। तो मेरे हिसाब से तो इसका होना चाहिए एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे, जो क्या है फुल, हु इज़ फिल्ड विद, क्या है, हु इज़ फिल्ड विद इंथुजियाज्म, उसको बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ थिंग, कोई ऐसी चीज़ जिसका ऑफिशियल एग्जामिनेशन करते हो किसी भी चीज़ का, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑडिटर, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा है 86, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, जो कि ब्राइट साइड देखे किसी भी चीज़ का, ब्राइट साइड देखे उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी होते हैं जो किसी भी चीज़ का ब्राइट साइड देखते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट जो चले ऑफिशियल्स थे वो ब्यूरोक्रेसी होती है। प्लूटोक्रेसी जो रिच लोगों से चलती है, एरिस्टोक्रेसी जो तानाशाही लोगों से चलती है, मोनार्की जो किंग लोगों से चलती है, मोनार्की जो किंग लोगों से चलती है। ठीक है, प्लूटोक्रेसी जो रिच लोग से चलती है, एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, जो तानाशाही लोगों से चलती है, अराजकता फैलाने वाले लोग होते हैं वो एरिस्टोक्रेसी कहे जाते हैं। 88, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, सोल राइट टू मेक अ सेल सम इन्वेंशन क्या होगा, 88 का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी पेटेंट। सोल राइट टू मेक, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, किसी इन्वेंशन के लिए कोई चीज़ सेल कर देना, पहले तो बनाना किसी चीज़ को, फिर उसको इन्वेंशन के लिए सेल कर देना, तो उसको क्या मिल जाता है, पेटेंट। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आज तक किस पूरी वर्ल्ड में ना बनाया गया हो, और उस टेक्नोलॉजी को बेच देना पेटेंट कहलाता है। क्या होता है, पेटेंट कहलाता है। एन इंसेक्ट विद मैनी लेग्स इज कॉल्ड, एक ऐसा इंसेक्ट जिसके बहुत सारे लेग हों उसको सेंटीपीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटीपीड। अ जॉब विदाउट सैलरी, ऑनरी, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। नेक्स्ट आता है 91, वन हु सफर्स इज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, एक ऐसा पर्सन जो सफ़र कर रहा है सर्विस में जिसको चार्ज नहीं किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वॉलेंटियर। वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, एक ऐसा पर्सन जो कभी गलतियां नहीं करता हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनफॉलिबल। क्या बोलेंगे, इनफॉलिबल बोलेंगे, जो पर्सन बिल्कुल गलतियां नहीं करता हो उसको बोलेंगे इनफॉलिबल। ध्यान रखिए इनकॉरिजिबल होता है असुधार्य, जिसमें एरर को ना सुधारा जा सकता हो, असुधार्य हो वो इनकॉरिजिबल है। और जो कभी मिस्टेक नहीं करता बनाता हो, वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। उसको क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल, जो कभी मिस्टेक नहीं करता हो उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज़ एब्सोल्यूट, वन फॉर हुम द वर्ल्ड, वो होल वर्ल्ड इज वन सोम, ये तो हमने बताया कॉस्मोपोलिटन बोलते हैं समस्त संसार का। एन इंस्टेंट इंसेक्ट विद मैनी लेग्स इज कॉल्ड सेंटीपीड। अवॉइडिंग वेस्टेज, क्या कहना, अवॉइडिंग वेस्टेज, अवॉइडिंग वेस्टेज इकोनॉमिकल होगा,
जो अवॉइडिंग वेस्ट अवॉइड कर रहा हो इकोनॉमिकल, टेंसिया क्योर फॉर ऑल डिसीज, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन एक्सटेम्पोर, ठीक है, जो विदाउट प्रिपरेशन होगी स्पीच एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है 99, हमारा वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर्स हो हम सबके बीच, एलियन एलियन होगा जो स्ट्रेंजर्स होगा। स्पीच गिवन एट द ओपनिंग ऑफ अ सेरेमनी, इनॉगरल एग्जामिन ऑफ अ डेड बॉडी, पोस्टमार्टम, आ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, एक ऐसी स्पीच जो अपने लिए बनाई गई हो उसको बोलेंगे सोलिलोकी। क्या बोलेंगे? सोलिलोकी। क्या बोलेंगे? सोलिलोकी। अ कॉमन प्लेस रिमार्क, एक कॉमन प्लेस रिमार्क कर दिया गया है तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड क्या होता है? जो कॉमन प्लेस है निश्चित रूप से उस कॉमन प्लेस को क्या कर दिया गया है? रिमार्क कर दिया गया है। समझ में आ गया होगा प्लेटिट्यूड मतलब क्या होता है? सामान्योक्ति, सामान्य युक्ति यानी कॉमन प्लेस फॉर रिमार्क। चलिए आज के लिए इतना ही, 133 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट में हम कंप्लीट करा देंगे, थोड़े ही रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, या तो कहिए इसी लेक्चर में ही कंप्लीट करा देते हैं आपको, कितना ही रखे हैं फिर देखते हैं टाइम। चलिए इसी में ही ख़त्म करा देते हैं पूरे। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा 103 हो गए हैं, 104 में है दैट विच कैन नॉट बी पेरिस्ड, तो ये तो हमने बता दिया इम्पेरिसिबल। इम्पेरिसिबल होता है गवर्नमेंट बाई वन मैन, ऑटोक्रेसी जो वन मैन हो, ऑटोक्रेसी होता है मोनार्की जो किंग द्वारा देखी जाए, डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इस समय हमारा क्या चल रहा है? लोकतंत्र यानी जनता का शासन है इसलिए लोकतंत्र कहा जाता है, वो डेमोक्रेसी है। मोनार्की जो किंग द्वारा की जाती है, ऑटोक्रेसी जो एक आदमी द्वारा की जाए उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, एनार्की अराजकता को बोलते हैं। नेक्स्ट 106, अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, इंसाइक्लोपीडिया, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, एलेजी बोलते हैं, अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा गेम जिसको भी कोई नहीं जीत सकता, तो वो क्या हो गया? ड्रा हो गया। वो क्या हो गया? ड्रा हो गया, उसको कोई जीत ही नहीं सकता ना, तो वो ड्रा हो गया। नेक्स्ट 109, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टेपिज्म यानी कि तानाशाही है, अगर टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हैं तो तानाशाही है। द हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई अदर्स, एक ऐसी हिस्ट्री जो दूसरे ने लिखी हो, बायोग्राफी, और जो खुद ने लिखी हो, ऑटोबायोग्राफी, और हिस्ट्री तो पता ही है, मैन्यूस्क्रिप्ट पता ही है। वन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट, नो बिलीव इन गॉड, एथिस्ट। वन हुज वाइफ इज डेड, विडोवर, अनेबल टू पे वंस डेबिट, जो किसी का उधार ना चुका सके, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया वो। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ वर्ल्ड ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स, और जो ऐसा पर्सन होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। हम लोगों ने एक नाम सुना है ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम का, वो क्या थे? ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। अ बुक और पेपर रिटन इन हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, जो बुक और पेपर हैंड से लिखी जाती है उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वंस वंस वन वाइफ एट अ टाइम, अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मतलब एक ऐसे ही जिसके पास मोर देन वन वाइफ, एक वाइफ से ज़्यादा वाइफ हो उसे पॉलीगैमी बोलते हैं, एक मोनोगैमी जिसके पास एक हो उसको बोलते हैं, ठीक है। पॉलीगैम पॉली वर्ड ही होता है मोर देन के लिए, मोर देन वन टू थ्री फोर मतलब पॉली मतलब क्या होता है? बहुत सारे, तो जिसके पास एक से ज्यादा चीजें हो उसे बोलते हैं पॉली गैमी, वाइफ के लिए, वाइफ के लिए पॉली गैमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉली गैमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉली गैमी। नेक्स्ट आता है पॉलेंड्री, पॉलेंड्री मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा पति हो, बहुपतित्व, बहुपतित्व उसे बोलते हैं पॉलेंड्री, उसे क्या बोलते हैं? जिसके मोर देन वन हस्बैंड हो पॉलेंड्री, पॉलीगैमी बोलते हैं मोर देन वन वाइफ को पॉलीगामी, मोर देन वन हस्बैंड को पॉलेंड्री, ठीक है। डायगामी दो चीज को बोलते हैं, तो डायगामी जिसके टू पति हो, दो हस्बैंड हो, भाई डाया वर्ल्ड दो के लिए होता है ना, तो दो हस्बैंड दो वाइफ हो जिसकी, उसे डायगैमी, गैमी इसलिए कि गैमी वर्ल्ड वाइफ के लिए, पॉलेंड्री हो जिसके मोर देन वन हस्बैंड हो। चलिए
अ पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, जो पर्सन बिना इनविटेशन के बस घुस आया हो केवल खाने के लिए, उसे इंट्रूडर बोलते हैं। मतलब अ पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन इंट्रूडर। अ पर्सन हु हैज ब्यूटीफुल लेटरिंग, पर्सन क्या बोलेंगे, कैलीग्राफिस्ट। अ प्लेस गुड फॉर सिक, अ प्लेस गुड फॉर द सिक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा रिजॉल्ट, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको हम सुन नहीं सकते, इनऑडिबल हो गया, जिसको हम सुन नहीं सकते। अ पर्सन हु इज टॉकिटेटिव, उसको बोलते हैं गैरुलस। अ पर्सन टू मच टॉकिटेटिव, गैरुलस बोलते हैं उसको, जो पर्सन बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो उसे क्या बोलते हैं, टॉकिटेटिव, उसे क्या बोलते हैं, टॉकिटेटिव। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज रेडी टू बिलीव थिंग्स, जो चीज़ों पर भरोसा करने वाला हो उसे क्रूडलस बोलते हैं। वन हु अब्सटेन्स टोटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, टिटोटेलर। अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज, हैमलेट। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, जहाँ पर मनी क्वाइन की जाती है, मिंट बोलते हैं, जहाँ पर मनी क्वाइन की जाती है यानी सिक्कों के फॉर्म में आती है उसे बोलते हैं मिंट। नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ सर्टेन रीजन, प्लांट्स और वेजिटेरियंस कहाँ पर होते हैं, प्लांट्स और वेजिटेशन। 126 का फ्लोरा, दैट विच कैचेस फायर क्विकली, जहाँ पर जो है बहुत क्विकली फायर हो, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल बोलेंगे उसको। नेक्स्ट हमारा बस यही 127 ही तक थे, तो ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। सेकेंड पार्ट हम लाएंगे और उसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे, उसमें भी अराउंड 170 क्वेश्चन होंगे, उनकी भी प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे डन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम फ्रेजल वर्ब भी जो है ना ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो इस वीडियो को क्या है ना, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम चला दो और प्रॉपर सुनते रहो, तो माइंड में कुछ ना कुछ फिट हो जाएगा आपके, ठीक है ना। और हाँ, चैनल देख रहे हो, सुन रहे हो, तो फिर चैनल सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब के एक बटन है उसको प्रेस कर दिया करो, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। नहीं आ रही हैं तो फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या क्या आपको चाहिए और किस तरीके से चाहिए, उस पर वर्क किया जाएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए, मतलब सब्जेक्ट को नॉलेज लीजिए, दैट्स इट, मज़े में पढ़िए, मतलब सब्जेक्ट को समझ समझ के पढ़िए। हाँ, बाहर की चीज़ों में ध्यान लगा रहे हैं, उनसे कुछ मिलना जुलना नहीं है, बुक पढ़ने की आप बस हैबिट डालिए, शुरू में मन नहीं लगेगा, बट अपने मन को मार कर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, डे बाई डे क्या होगा, टाइमिंग इंक्रीज होती जाएगी और आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ निकल गया क्योंकि, राइट। सो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।